कैश बजट व्लॉगिंग सेटअप GoPro 9 और मोटो व्लॉगिंग सेटअप ये है। इसके लिए ज्यादा जानने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखो। हेलो गाइस, मेरा नाम है आशुतोष और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आपके पास GoPro है और अगर आप जूझ रहे हैं डिफिकल्ट आवाज के साथ, आपकी वीडियो में अच्छी आवाज नहीं आती, तो ये सब कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और आपको करना क्या, आपको करना भाई लाइक और शेयर जरूर करना है ऐसे लोगों के साथ। ये बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप होने वाला है विद GoPro 2022 में, कैसे आप सस्ते प्राइस में अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हो। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास यंत्रालय का व्लॉगिंग केस GoPro Hero 9 का, जो कि इस्तेमाल होता है आपके व्लॉगिंग के लिए प्लस मोटर व्लॉगिंग के लिए। कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, फटाफट से खोलते हैं। एक स्टिकर, कैमरा का जो एसेसरीज में आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका कैमरा जाएगा। और ये इसका अंदर यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक लेंस कवर बेसिकली, जो लेंस को प्रोटेक्ट कर सकता है। नीचे के यहाँ के सेक्शन में आपका अडाप्टर माउंट होगा GoPro का, उसके थ्रू आपकी ऑडियो यहाँ पर जाएगी। और यहाँ ऊपर आपका जो है माइक्रोफोन फिट होगा, जिसकी वजह से एक्सटर्नल ऑडियो काफी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगी। तो ये है अडाप्टर, यहाँ से आपका GoPro में कनेक्ट होगा। और इस अडाप्टर में दो पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर, ये आपका माइक्रोफोन कनेक्ट होगा। इस अडाप्टर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ के थ्रू आप डायरेक्टली इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो मतलब माइक्रोफोन प्लस चार्जिंग एक साथ होगी यहाँ पर इस अडाप्टर के थ्रू। एक अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ साथ आपको चाहिए होता है ऑडियो, और सबसे अच्छी क्वालिटी का ऑडियो आपको मिल जाएगा इससे। ये बजट फ्रेंडली माइक है, बोए की तरफ से आता है। ये आपका एक शॉटगन माइक्रोफोन है जिसको अपने GoPro पे माउंट करेंगे। चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि भाई साहब कैसा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं हमें। तो इसके साथ हमें देखने को मिलती हैं ये आपके बोए के स्टिकर्स, वारंटी कार्ड और आपका मैनुअल। इसको हम साइड में रखते हैं। ये हमारा माइक्रोफोन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका डेड कैट के साथ माइक्रोफोन आता है, ये आपका माइक्रोफोन है। ये आपकी जो विंडी नॉइज है उसको काटेगा, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हम बात करें तो इसके साथ हमें इस तरह की केबल्स मिलती हैं, और साथ में हमें एक माउंट मिलता है जो कि आपका हॉर्सशू माउंट होता है, जिसको आप माउंट कर सकते हैं किसी भी ट्राईपॉड पे। एक बोया की तरह से पाउच जिसमें आप माइक्रोफोन को इजीली कैरी कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे जहां पे भी आप इस पाउच में लेके जा सकते हैं। अब मेरा GoPro जो है वो एक्सटर्नल माइक सपोर्ट के लिए रेडी है यहाँ पर। तो जैसे मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मॉड्स का ऑप्शन आ रहा है। मॉड में आप जाएंगे तो नीचे देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन का ऑप्शन आएगा, जो पहले डिसेबल था। इस अडाप्टर की वजह से यहाँ पर माइक लिख के आने लगा। सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के माइक को चलाना है। स्टैंडर्ड माइक चाहिए जो कि आपका नॉन पावर्ड वाले माइक है, ये पावर्ड प्लस वाले माइक है आपका, जिसमें आपको बताया कि इसका साउंड क्वालिटी जो है क्या कहते हैं 20 dB बढ़ा देगा अगर आपको लग रहा है कि इसमें आवाज कम आ रही। फिर पावर्ड वाले माइक लगा सकते हैं आप इसमें, पावर्ड माइक प्लस लाइन इन, अगर आपको लाइन इन वाले भी माइक लगाने तो भी आप लगा सकते हैं इसमें। तो मेरा GoPro जो है पूरा रेडी है इसमें ब्लॉग करने का। जैसे पहला इंप्रेशन कुछ ऐसा है, काफी हैवी सा सेटअप हो गया और काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और अब दिखाता हूं मैं इसकी क्वालिटी, स्विच करते हैं इस पे सीधे। सो गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है GoPro पे। आपका मेरा बोया माइक माउंटेड है, स्टैंडर्ड माइक वाला जो मोड है वो यूज कर रहा हूं मैं, अडाप्टर लगा है। ऑडियो कैसी आ रही है आप देख करके बता सकते हैं। और इस समय विंडी एनवायरमेंट है, यहाँ पर हवा भी चल रही है काफी कुछ है, और मैं पास भी बोल रहा हूँ, दूर भी कर रहा हूँ, तो कितना डिफरेंस आ रहा होगा थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। अभी इसमें अगला मोड चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ कि क्वालिटी कैसे आ रही है आगे। सो गाइज, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है स्टैंडर्ड माइक प्लस वाले मोड से। बोया का माइक यहाँ पर लगा रखा है मैंने, और देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे फेस पे आपको मेरे हेयर उड़ते हुए दिख रहे होंगे। हवा चल रही है, विंडी इन्वायरमेंट है। क्वालिटी कैसी आ रही है ऑडियो की नीचे ज़रूर बताइए। पास भी करके बता रहा हूँ, दूर भी करके बता रहा हूँ, चल भी रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत अंदाजा आपको लग रहा होगा कि क्वालिटी किस प्रकार से आ रही है यहाँ पर। सो बेसिकली जो ये शॉटगन माइक लगा है, ये वन डायरेक्शनल माइक्स होते हैं, जहाँ पे सामने की तरफ अगर आपके फेस पे माइक लगा है तो ऑडियो क्वालिटी अच्छे से कैप्चर करते हैं, डेड कैट आपका जो विंडी नॉइज है उनको काटता है। अब अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, सपोज मैं सामने की तरफ मैं वहाँ पे करता, तो आप देख सकते हैं अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो किस तरीके से क्वालिटी आ रही है, क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, और कैसा ये किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। ये फ्रंट, ये बैक। एज यूजल मैं पहले ब्लॉगिंग करता था बहुत लाइट रहता था, लेकिन ऑब्वियसली बात हैवी भले हुआ है, तो इस माइक की वजह से जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। तो फाइनल अभी जो टेस्ट रिजल्ट मैं देख रहा हूँ, आपने पहले जो टेस्ट रिजल्ट देखा उसमें आपको अंदाजा लग ही गया होगा। आप भी कमेंट करके बताओ यार ये सेटअप आपको कैसा लगा और ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो इसी तरह की अब अच्छी क्वालिटीज़ में वीडियोस देखने को मिलने वाली है मेरे चैनल पे। अब वो पुरानी ऑडियो क्वालिटी गई खराब वाली। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो बेसिकली आपका बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप बेसिकली 2022 में अगर आपको लेना है तो क्या हो सकता है। इसी कैमरे से GoPro से रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑडियो मैंने लगा रखा है बोया का। अब फाइनल टेस्ट आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है और ऑडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आप अच्छे पैसे बजट के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, तो भाई साहब को करना है, आपको करना है लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने अगर ऐसा सेटअप लिया है तो आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा, अगर आपने नहीं लिया तो लेने वाले हैं वो भी बताइए, और प्लस सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, इस तरह का ऑसम कॉन्टेंट देखने को मिलेगा मेरे ही चैनल पर। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे, मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। बाय बाय।